तो हम लोग आज की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ जो बेसिक्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना। वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तीन मेन कैटेगरी है कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन्स के जो तीन मेन कैटेगरी है, एल्केन, और अगला बोलना जरा, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। और ये हाइड्रोकार्बन के टाइप हैं। हाइड्रोकार्बन के टाइप का मतलब हुआ इनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है। तो एल्केन में हम लोगों ने कल CH4 की स्ट्रक्चर देखी थी, और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से आई थी, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आती है। बॉन्ड एंगल भी हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, वो क्या था, 109.28 डिग्री, ठीक है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण याद है आप लोगों को, कौन सा संकरण है, संकरण sp3 इसमें संकरण है। वेरी गुड वेरी गुड, sp3 इसमें संकरण है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है बताना जरा, चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अब एक एल्कीन की, एक सबसे जो छोटी एल्कीन है, एल्कीन में कम से कम दो कार्बन होने चाहिए। अब आपको पता चल गया, जिस ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो, वो एल्कीन होते हैं। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, वो क्या था बताना जरा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, बताएगा कोई, CN गुड, CnH2n प्लस 2n प्लस 2। यस, यही हो गई थोड़ी सी गड़बड़, यही क्या हो गई, नहीं सर, CnH2n। यस, ये ज्यादा सही है। और हमारा उत्तर हो गया एल्कीन का, हम पढ़ रहे हैं जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, है ना, जिसको सारे एल्कीन्स फॉलो करते हैं, वो है CnH2n, ठीक है। ये एल्कीन का है। और जो आप लोगों ने बताया था CnH2n+2, ये एल्केन के लिए, ठीक है, एल्कीन के लिए नहीं है, एल्केन के लिए है। तो सबसे छोटी जो एल्कीन है, दो कार्बन वाली एल्कीन है, वो है एथीन। कौन सी है, जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम है एथीन। अब नाम एथीन कैसे आया, ये हमने कल डिस्कशन किया था कि दो कार्बन है इसलिए ये जो है ETH, एथ, है ना, ये वर्ड रूट है, मतलब ये हम लगाते हैं, बस ये ध्यान रखो जहां दो कार्बन है वहां हम लोग एथ लिखते हैं। अब वो किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, वो एल्कीन है। तो इसके बाद में सफिक्स, सफिक्स यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रत्यय, है ना, तो सफिक्स लगता है इन, तो हो गया एथीन, ठीक है। इन कहां से आया, इन एल्कीन के नाम में ही है, ठीक है, तो यहां से ये इन आया और ये हो गया एथीन। अब एथीन की, एथीन के बारे में मैं बहुत छोटी सी जानकारी आप लोगों से चाहता हूं, वो ये है कि एथीन का स्ट्रक्चर किसी को पता है क्या, एथीन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, दो कार्बन होते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है एथीन में, बताना जरा, कौन बताएगा, बोलो, sp2 जहां, जब भी sp2 कार्बन संकरण होता है, जब भी sp2 संकरण होता है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, बताओ स्ट्रक्चर, बताओ sp2 कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, राजश्री तुम बताओ sp2 कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय, कौन सी होती है, समतल त्रिकोणीय, ठीक है। ये sp2 कार्बन की, sp2 जब भी sp2 संकरण होता है तो उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है समतल त्रिकोणीय। sp2 संकरण में एक s और दो p कक्षक भाग लेते हैं, और ये तीनों कक्षक भाग लेकर के संकरित होकर के तीन नए कक्षक बनाते हैं। संकरण में यही तो होता है कि जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही कक्षक बनते हैं, लेकिन संकरण से पहले उन कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं होती, और संकरण के बाद में उन कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, है ना। तो इस तरह से ये जो तीन नए कक्षक बनते हैं, देखो एक s दो p मिले और तीन बन गए sp2 कक्षक, sp2, है ना,
ये पी गलत लिखा गया है, तो तीन नए sp2 कक्षक हमें यहाँ पर मिलते हैं। वो जो तीन नए sp2 कक्षक हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं मैं बता देता हूँ। वो इस तरह से अरेंज होते हैं, एक तो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर साफ दिख जाए, ठीक है। एक तो ये जो लाइन खींची है मैंने, एक बॉन्ड बनाया है, कोई बात नहीं, इसी के ऊपर हम बना लेते हैं, है ना। एक तो ये हो गया p ऑर्बिटल, ठीक है, एक तो ये हो गया, थोड़ा सा इसको और लंबा लेते हैं, ये लो, ठीक है। एक तो ये sp2 ऑर्बिटल है। अब तीन जो अरेंज होते हैं ना वो कितने एंगल पे अरेंज होते हैं, ये तीनों देखो, ये तीनों तीन sp2 ऑर्बिटल है, है ना। मैं इसको लिख देता हूं sp2, ये तीनों sp2 ऑर्बिटल है और इनके बीच का कोण कितना है 120। जब एक पॉइंट के चारों तरफ तीन आप लाइन खींचोगे बराबर डिस्टेंस पे, है ना, बराबर एंगल लोगे, तो जाहिर सी बात है वो एंगल कितना आएगा 120। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, समतलीय स्ट्रक्चर है, ये जो कार्बन है इसके चारों तरफ समतलीय स्ट्रक्चर है, ये तीनों बॉन्ड एक ही तल में है जो बनने वाले हैं बॉन्ड है। अब ये दोनों कार्बन की यही पोजिशन है ना, इन दोनों कार्बन पे तीन तीन sp2 कक्षक रहते हैं। तो अब ये जो कार्बन है दूसरा वाला, इसका देखो मैं अब कक्षक बना रहा हूं, ये इससे अतिव्यापन करता है और ये अतिव्यापन है हेड टू हेड, जिसको बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन? अक्षीय, मतलब अक्ष पे हो रहा है इसलिए अक्षीय अतिव्यापन। तो इससे जो बंध बनता है वो बनता है सिग्मा, ठीक है। और ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये हम यहां ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये sp2 इसके तीन हो गए। अब देखो तीन, दो हाइड्रोजन यहाँ आएंगे और दो हाइड्रोजन अपने s कक्षक के साथ में यहाँ अतिव्यापन करके एक बंध बना लेंगे, ठीक है। यहाँ भी दो हाइड्रोजन आएंगे, वो s कक्षक के साथ बंध अतिव्यापन करके बंध बना लेंगे। ये लो भाई, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई। संकरण में दो ही जो p कक्षक है वो भाग ले रहे हैं, और जैसा कि कल हमने बात करी थी sp2 जब कोई कार्बन संकरित होता है तो उसके ऊपर एक असंकरित pz कक्षक बच जाता है। देखो यहाँ पर देखो दो ही p कक्षक भाग ले रहे हैं, तो एक तीसरा p कक्षक बचा हुआ है जो कि ये हमारी अक्ष है, उसके लंबवत है। अक्ष से लंबवत होने का मतलब मैंने बताया था कल, तल के एक लोब उसकी नीचे है, एक लोब उसकी ऊपर है। यहाँ मेरे वीडियो में आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरा हाथ है वो तल है और एक लोब जैसे पेन के ऊपर नीचे है वैसे ये रहती है। तो इसे हम यहाँ पर ये pz कक्षक बना देते हैं। अब इस कार्बन पे भी सेम सिचुएशन है, pz कक्षक ये हमने बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों pz कक्षक हैं, इनमें पार्श्विक अतिव्यापन होता है, साइड बाय साइड अतिव्यापन, साइड से अतिव्यापन कर रहे हैं ये, पार्श्विक अतिव्यापन। और जब भी पार्श्विक अतिव्यापन होता है तब बनता है बॉन्ड पाई, ठीक है। तो इस तरह से ये एल्कीन की स्ट्रक्चर आपके सामने है, sp2 कार्बन, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, दो कार्बन और ये सिंगल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया एल्कीन, है ना। अब यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है इसको एक तरह से हम और दिखा सकते हैं, वो यहां देख लो, ये कार्बन है दोनों, और यहां पर ये दोनों के हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये लो इस तरह से हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड में क्या होगा, दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो ऊपर इस तरह से अरेंज हो जाता है, ऊपर वाली लोब आपस में ओवरलैप होकर के मिल जाती है ना, और ये नीचे वाली जो लोब है वो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बनाती है, ठीक है। ये देखो, तो इस तरह से भी जो पाई बॉन्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पाई बॉन्ड में आधा इलेक्ट्रॉन घनत्व जो अणु का तल होता है उससे ऊपर होता है और आधा इलेक्ट्रॉन घनत्व अणु के तल से नीचे होता है। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड की स्ट्रक्चर है और एल्कीन की स्ट्रक्चर है। पाई बॉन्ड की स्ट्रक्चर हमने इसलिए बात की है क्योंकि हमारे आगे काम आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्कीन का स्ट्रक्चर। अब हम जो तीसरा है जो हमारे काम आएगा, एल्काइन, जिसमें होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका सबसे जो सिंपल एल्काइन है, सबसे सिंपल एल्काइन, उससे छोटा एल्काइन नहीं होता, वो है हमारा C2H2, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एथाइन। ये यहाँ पर टू, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अब सही है, एथाइन। अब इसमें संकरण मुझे कोई बता सकता है क्या, बताओ भाई,
संकरण कोई मुझे बता सकता है इसमें? एसपी। अब जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान ध्यान रखो, कॉपी में भी लिखते जाओ। एसपी जब भी संकरण होता है तब उस परमाणु पर जो एसपी संकरित है उस पर स्ट्रक्चर होती है रेखीय, मतलब जो एसपी संकरित कक्षक होते हैं वो रेखीय संरचना में, रेखीय आकृति में अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, रेखीय। अब ये कैसे करते हैं ये देखो, ये देखो भाई ये कैसे करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा यहाँ हमें जगह मिल जाएगी, एक काम करते हैं इसको हम मिटा देते हैं, ये लो है ना, ये हमें ध्यान चल गया, और ये लो अब हम इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी यहाँ बनाते हैं। ये हमने बनाया कार्बन, ये एसपी संकरण देखो कैसे करता है। एसपी संकरण का मतलब हो गया एक एस और एक पी, बनेंगे दो एसपी, और दो एसपी अब एक पॉइंट के चारों तरफ दो लाइन आपको खींचनी हो बराबर एंगल से तो वो ऐसे ही होगी, 180 के एंगल पे होगा। इसलिए एसपी संकरण में भी जो दो कक्षक बनेंगे संकरित कक्षक वो 180 के कोण पर अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। ये देखो इस कार्बन पर ये दो संकरित कक्षक हैं, 180 के कोण पर इन्होंने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। ये दूसरा कार्बन है, ये इसका भी संकरित कक्षक है और इसने इससे ये बंध बना लिया। अब ये अक्षीय अतिव्यापन है तो ये बन गया सिग्मा, ठीक है। और यहाँ एक हाइड्रोजन आया और उसने अपने एस कक्षक, एस कक्षक तो गोलाकार होता है ना, तो उस इसलिए हमने गोला बनाया यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन ने यहाँ बंद बना लिया। अब हमारी स्ट्रक्चर कितनी बन गई, इतनी तो बन गई, देखो इतनी बन गई है ना, लेकिन अभी दो पाई बॉन्ड होते हैं वो नहीं बने। कल हमने बात की है एक ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा प्लस में दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये जो दो पाई बॉन्ड है वो नहीं बने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पी कक्षक तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर एक ही पी कक्षक भाग ले रहा है, इसका मतलब दो पी कक्षक हैं वो अभी भाग नहीं ले रहे संकरण में, वो असंकरित ही है। जब वो असंकरित ही है तो वो प्लेन के लंबवत रहेंगे। तो एक तो हम जानते ही हैं कौन सा, पी जेड, ठीक है। वो हम ये मान लेते हैं कि ये जो जो पी कक्षक यहाँ पर जिसने भाग लिया है ना, वो मान लेते हैं हम पी जेड मान लेते हैं, चलो इसको है ना, इसको हम मान लेते हैं पी जेड कि पी जेड भाग ले रहा है। तो पी जेड भाग ले रहा है तो पी एक्स और पी वाई बच गए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, पी एक्स, चलो इसको हम बना देते हैं पी एक्स, ध्यान से सुनते जाओ आप है ना। और ये भी इधर हो गया हमारा पी एक्स, ठीक है, ये हमने बनाया पी एक्स। अब पी एक्स पी एक्स के मध्य क्या होगी, कौन सी ओवरलैपिंग बताना जरा, कौन सी अतिव्यापन होगा, बोलो ये कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, साइड साइड वाला, क्या नाम, पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक यानी कि मेरा वीडियो देखो, पार्श्विक यानी कि ऐसे ऐसे साइड बाई साइड, ऐसे साइड बाई साइड, ऐसे नहीं, ऐसे यदि आएंगे तो उसको बोलते हैं अक्षीय, एक ही अक्ष पर हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिर से सिर मिलना, यानी कि हेड टू हेड अतिव्यापन, ठीक है, कक्षकों का। और इसे बोलते हैं हम साइड बाय साइड यानी कि पार्श्विक अतिव्यापन, ठीक है। तो पार्श्विक अतिव्यापन जो होता है हमेशा कमजोर होता है, पार्श्विक अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, पाई। तो ये एक पाई बंध तो बन गया, ठीक है। अब एक पाई बंध और बनना है, तो हमारे पास अभी ये पी जेड मैंने गलत लिख दिया, पी एक्स आएगा यहाँ पे, एक अब हमारे पास पी पी वाई कक्षक और बचा है ना, तो हम पी वाई कक्षक भी बनाते हैं, ये लो। और ये जो पी वाई कक्षक है ना, ये प्लेन के लंबवत है और ये इस तरह से आएगा, इसकी लोब एक यहाँ है तो दूसरी यहाँ है, ठीक है। यहाँ भी सेम पैरेलल बनाएंगे हम, ये यहाँ है ना। अब ये इससे बंद बनाएगी, ये देखो एक पाई बंद ये हो गया। तो इस तरह से ये दो पाई बंद होते हैं, एक और ये दो, तो दो पाईबंद है और एक सिग्मा है, बात समझ में आई। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पी वाई कक्षक और ये हो गया पी वाई कक्षक। तो पी वाई से अतिव्यापन कर रहा है पार्श्विक, पी एक्स से अतिव्यापन कर रहा है पार्श्विक, और इस तरह से एक सिग्मा बंद के साथ में बन गए दो पाई बंद, और ये बन गया हमारा एथाइन। ये दो कार्बन का जो सिंपलेस्ट एल्काइन है, सबसे सरल एल्काइन है, वो हो गया दो कार्बन के लिए तो एथ हम लगाते ही है, और इसका जो क्या क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यय है ना, आइन, आइन ये हमने लिखा, बन गया एथाइन है ना, हिंदी में हम लिख सकते हैं एथाइन, ठीक है। तो ये बन गया एथाइन। तो इस तरह से ये तीन बेसिक मॉलिक्यूल थे है ना, जिनमें हमने संकरण और उनकी स्ट्रक्चर हमने देखी है, बात समझ में आई है ना।
तो इनका जिक्र जहां भी आएगा हम वहां और करेंगे और इनकी संरचना को हम लोग समझेंगे। आप लोग कॉपी में इनकी संरचना जरूर बनानी है। और हमारे साथ कौन जुड़ा है अभी अभी, रेशम, कविता, इंदु, मोनिका, किरण कुमारी। किरण, किरण अपना माइक ऑन करो। किरण, किरण, हाँ किरण, मेरी आवाज आ रही है? किरण, चलो कोई बात नहीं। यस सर। ओके ओके, गुड 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 गुड। तो हम लोगों ने अभी कितना डिस्कशन कर लिया, देखो CH4 एल्केन, इसमें कौन सा संकरण होता है? sp3 c2h4 यानी कि एल्काइन, इसमें होता है sp2, और c2h2 यानी कि एथाइन, एथाइन में होता है sp। समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा हूं, है ना? तो sp संकरण का अब मैं सुन लो जो बताने जा रहा हूं वो, है ना, इसमें सारे के सारे सिग्मा बंद होते हैं, इसमें एल्कीन में, एल्कीन। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, मैं ये जो इंग्लिश में लिख रहा हूं वो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि बोलना बोलना तो एक ही, आप हिंदी में बोल लो, इंग्लिश में बोलो, एल्केन को एल्केन ही बोलते हैं, और कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है? तो अब एल्केन में सारे सिग्मा बंद होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है? इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे के सारे कार्बन बॉन्ड। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जो मैं कहना चाहता हूं वो उसको याद रखना, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि sp3 संकरण में एक s और तीन p कक्षक भाग लेते हैं, तो चार बनते हैं sp3 कक्षक। तो एक sp3 कक्षक में, एक sp3 कक्षक में कितने s गुण हैं, s प्रतिशत गुण कितने हुए, बताओ भाई। एक sp3 कक्षक में परसेंटेज s करेक्टर यानी कि प्रतिशत s गुण कितना हुआ? 25%। 25% आता है। ये कैसे आता है सुन लो भाई, जिनको नहीं पता है वो भी सुन लो, कि एक s भाग ले रहा है, ठीक है, एक s भाग ले रहा है ना, और इसके जो गुण हैं, s कक्षक के जो गुण हैं, वो अब बंट गए चार में। देखो इधर चार बन रहे हैं ना भाई, एक s भाग ले रहा है और तीन p भाग ले रहे हैं, और ये चारों मिलकर के चार नए बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो एक अकेला s कक्षक है, इसके गुण अब चार कक्षकों में बट गए। तो जब एक s कक्षक के गुण चार में बांटेंगे तो एक कक्षक में कितने आएंगे, 25%। तो इसमें sp3 संकरण में 25% s गुण होते हैं, 25% s गुण होते हैं इसके कक्षकों में, है ना। अब इससे हम लोग एक चीज समझने वाले हैं, इसलिए यह जरूरी है, ये ध्यान रखना यहाँ पर। और sp2 संकरण होता है एल्कीन में, इसमें एक s प्लस में दो p मिलकर के बनाते हैं तीन नए sp2 संकरित कक्षक। तो एक s के गुण अब कितने में विभाजित हो रहे हैं बताना जरा, तीन में, ठीक है। अच्छा ये तीन कहां से आए, ये तो पता चल गया ना कि एक s और दो p मिल रहे हैं, टोटल तीन मिल रहे हैं, तो तीन ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक s के गुण अब कितने में विभाजित हो गए बोलना जरा, कोई भी, रेशम तुम बोलो। एक s कक्षक संकरण से पहले एक s और दो p भाग ले रहे हैं, मिलकर के बना रहे हैं तीन sp2, तो बताना जरा कि एक s के गुण अब कितने कक्षकों में, कितने संकरित कक्षकों में विभाजित हो गए, तीन में। तीन में, तीन में। तो जब एक के गुण अब तीन में विभाजित हो गए, तो फिर अब इसमें एक, इसमें कितने प्रतिशत s गुण आ गए इन कक्षकों में, जब 1/3 करेंगे हम लोग, तो हमारे पास उत्तर आएगा 33% के आसपास, 33.33% आता है ना, ठीक है। तो ये 33.33% s गुण हो गए, ठीक है। इसी तरह से sp में एक s है और एक p है, है ना। तो इसमें हो गए, अब इसमें तो बता ही दोगे कि दो sp बनेंगे, दो sp में अब एक s कक्षक के गुण दो कक्षकों में विभाजित हो रहे हैं, तो 50-50% हो जाएगा, इसलिए इसमें हो गए 50% s गुण। अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये बात है कि एल्केन में sp3 संकरण होता है, और sp3 संकरित कक्षकों में 25% s गुण होता है, ठीक है। एल्कीन में
sp2 संकरित कक्षकों में 33% sp गुण s गुण होता है और sp कक्षक में 50% s गुण होता है, ठीक है। अब ये जो s गुण है इससे उस कार्बन के गुण प्रभावित होते हैं। बात को समझो, ये देखो ये एल्केन में ये कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 संकरण है, इसका मतलब इस कार्बन के कक्षक में कितने प्रतिशत s गुण हो गए, इसमें हो गए s गुण 25%, ठीक है, इसमें 33% और इसमें 50%। तो जैसे जैसे s प्रतिशत गुण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उस कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ती है। सुन लो, उस कार्बन की क्या बढ़ती है, विद्युत ऋणता। जैसे जैसे s प्रतिशत गुण बढ़ता जा रहा है तो कार्बन की जो वो है ना, विद्युत ऋणता ही होती है शायद हिंदी में, हाँ विद्युत ऋणता इसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके ये तो एक अंतर समझ में आई गया हमें कि संकरण जानने का क्या महत्व हो गया। संकरण से ही हमें प्रतिशत s गुण पता चला, और जब प्रतिशत s गुण पता चलेगा तो विद्युत ऋणता का हमें पता चल जाएगा कि विद्युत ऋणता किसमें ज्यादा होती है। तो विद्युत ऋणता का अब क्रम सबको पता चल गया होगा, क्या क्रम है विद्युत ऋणता का, क्या क्रम है बताना जरा। कार्बन जिसमें sp संकरण है उसकी सबसे ज्यादा होती है, फिर कार्बन जिसमें sp2 होती है उसकी कम होती है विद्युत ऋणता, फिर कार्बन जिसमें sp3 संकरित कक्षक होता है उसकी विद्युत ऋणता होती है कम, ठीक है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, हमने ये दोनों तीनों बॉन्ड देख लिए, कैसे बनते हैं वो भी देख लिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ये बताओ कि इन सब में सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड लंबा है एल्केन का या डबल बॉन्ड एल्कीन का या फिर ट्रिपल बॉन्ड उसका एल्काइन का, बताओ भाई बताओ सबसे लंबा कौन सा है, बोलो कौन सा बॉन्ड लंबा होता है, बॉन्ड लेंथ बंद लंबाई किसकी ज्यादा है, एल्केन में कार्बन कार्बन एकल बंद की, ठीक है, एकल बंद की लंबाई ज्यादा होती। देखो मेरी बात सुनो, है ना, जैसे जितने ज्यादा कक्षक अतिव्यापन करेंगे ना, है ना, उतना ही वो जो परमाणु है दोनों परमाणु वो पास पास आते जाएंगे तो बंद लंबाई छोटी होती जाती है, ठीक है, है ना। ये देखो मतलब बंद लंबाई क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। इसलिए ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, एकल बंद है, अब हम यहाँ पर किसका वो लगा रहे हैं, बंद लंबाई का हम लोग ऑर्डर लगा रहे हैं, क्रम आप लोग कॉपी में लिखते जाओ, बंद लंबाई इसकी सबसे ज्यादा होती है, सबसे लंबा बंद है। अब यहाँ पर दो कक्षक, दो इसके और दो इसके अतिव्यापन कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर और ज्यादा पास आ जाएंगे ये दोनों कार्बन परमाणु, इसकी बंद लंबाई छोटी हो गई और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बंद लंबाई और भी छोटी हो गई। बात समझ में आई है, ठीक है। तो इस तरह से बंद लंबाई है ना, और मैं बता ही देता हूं तुम लोगों को, ये है 1.54 पिकोमीटर, है ना, और ये है 10 मिनट और बचा है हमारी क्लास में, है ना, ये है 134 पिकोमीटर, है ना, ये 154 है, ये 134 है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ठीक है, पिकोमीटर, और ये है हमारी 120 पिकोमीटर, है ना, तो ये बंद लंबाई है। अब मेरे को बंद ऊर्जा का क्रम बताओ भाई, बंद ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है, बोलो भाई, बताओ बंद ऊर्जा किसकी ज्यादा हुई, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की या उसकी, मतलब बंद ऊर्जा का मतलब तो समझते हो ना, जिसकी बंद ऊर्जा ज्यादा होती है उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब बताओ किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, बोलो मोनिका, बोलो ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, है ना, बहुत सिंपल सी बात है, है ना। ये देखो हम जब एक उंगली से पकड़ेंगे, है ना, तो वो जो बॉन्ड है वो उतना मजबूत नहीं होगा। यदि हम ये देखो पूरी उंगलियों को पकड़ेंगे तो वो बॉन्ड है ना ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो रहा है, तीन कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं तो दो परमाणुओं के बीच में मजबूत बंध बन रहा है और दो परमाणु ज्यादा पास आ गए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो बंध छोटा होता है वही मजबूत होता है, ठीक है, जो बंध छोटा होता है वही क्या होता है,
मजबूत होता है, तो छोटा कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं, तो दोनों जो दोनों कार्बन परमाणु है वो ज्यादा पास आ गए, है ना। तो बंद ऊर्जा का क्रम ये हो गया। ये लो भाई, ये बंद ऊर्जा का क्रम है। बंद ऊर्जा ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा है, डबल बॉन्ड की कम है, और सिंगल बॉन्ड की सबसे ही कम है। सिंगल बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये किसका क्रम हो गया? बंद ऊर्जा का। ठीक है, अब मैं पाई बंद के गुण बताने जा रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? बोलना जरा, बोलो। पाई बंद के, पाई बंद के गुण। हाँ, पाई बंद के गुण। सबसे पहला तो मुझे ये बताओ, सिग्मा बॉन्ड तो पता चल गया ना, अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, सिर से सिर मिलता है कक्षकों का, तो बनता है क्या? बोलना जरा, सिग्मा बंद, है ना। और जब पार्श्विक साइड से मिलते हैं, पार्श्विक अतिव्यापन होता है, तब कौन सा बंद बनता है? बोलना जरा, बोलना। पाई बॉन्ड बंद, पाई बॉन्ड। ठीक है, यस यस, गुड। तो जो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, मुझे बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग और वीक कौन सा है, मतलब प्रबल और दुर्बल बंध कौन सा है, कौन सा ज्यादा मजबूत है, बताते जाओ। सिग्मा तो मजबूत होता है। यस यस, सिग्मा पाई से मजबूत होता है। ये हो गया, एक तरह से हम लिख सकते हैं बंध ऊर्जा, लिख दो चाहे इसको बंध ऊर्जा का क्रम लिख दो या प्रबलता का क्रम लिख दो, कौन सा बंध प्रबल है, एक ही बात है। तो सिग्मा बंध ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा, क्यों होता है, किसी को पता है क्या? बताओ। चलो मैं बताता हूं, समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। सिग्मा बंध में होता है अक्षीय अतिव्यापन, सुन लो। कौन सा अतिव्यापन होता है? अक्षीय अतिव्यापन। और अक्षीय अतिव्यापन में अतिव्यापन ज्यादा होता है। जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा, देखो एक तो मैं ऐसे ऐसे ही पकड़ू उंगलियों को, और एक मैं ऐसे मजबूती से पकड़ू, दोनों में अंतर है। मजबूत पकड़ कौन सी होगी? जब मैं पूरा पकड़ू, ठीक है, वो क्या पकड़ होगी? वो मजबूत पकड़ होगी। और एक मैं ऐसे ही पकड़ू तो वो मजबूत पकड़ नहीं होगी, थोड़ा सा जोर लगाने से वो खुल भी सकती है। बात समझ में आ रही है? मेरा वीडियो दिख रहा है सबको, है ना। तो ये जो बंध है, कौन सा? ये जो जिसमें अतिव्यापन ज्यादा हुआ है, इसमें जो अतिव्यापन ज्यादा हुआ है, ये है हमारा सिग्मा बंध। सिग्मा बंध में जो कक्षकों का अतिव्यापन ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वह मजबूत है। और पाई बंध में कक्षकों का अतिव्यापन कम मात्रा में होता है, इसलिए वह क्या होता है? वह क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है, इसीलिए अकेला पाईबंद कभी नहीं, अकेले पाईबंद का अस्तित्व कभी नहीं होता। ठीक है, हमेशा अकेला सिग्मा बॉन्ड तो स्थाई है, लेकिन पाई बॉन्ड अकेला कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और वो पाई हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सिग्मा बॉन्ड अधिक प्रबल है, अधिक मजबूत है, क्योंकि उसमें अक्षीय अतिव्यापन होता है, और अक्षीय अतिव्यापन में ज्यादा मात्रा में अतिव्यापन होता है। ओके, ये तो हो गई एक बात। अब मुझे ये तो पता चल गया कि स्थाई कौन है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्थाई है। अब मुझे बताओ क्रियाशील कौन सा है ज्यादा, क्रियाशील कौन सा है, बताओ भाई, कौन सा बॉन्ड ज्यादा क्रियाशील है, बोलो। या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा यौगिक जिसमें सिग्मा बंध हो केवल, एल्केन और एक है एल्कीन, इन दोनों में क्रियाशील कौन सा होगा, इन दोनों यौगिकों में, एल्केन में और एल्कीन में? चलो मैं बताता हूं। एल्केन। नहीं, गलत, सुनो सुनो, एल्कीन में होता है पाई बंध, ठीक है, और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है ना कमजोर बंधे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अतिव्यापन पूरा नहीं होता, है ना, ज्यादा अतिव्यापन नहीं होता, इसलिए पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हमने बात करी थी कि पाई बंध में आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आधा इलेक्ट्रॉन घनत्व तल के ऊपर और आधा तल के नीचे होता है, इसलिए पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में कमजोरी से बंधे हुए रहते हैं, कमजोर रूप से बंधे हुए रहते हैं। तो इन पर कोई भी क्रियाकारक आकर के इनसे रिएक्शन कर सकता है आसानी से। तो जब किसी यौगिक में पाई बंध उपस्थित हो, तो वह यौगिक उस यौगिक के मुकाबले जिसमें केवल सिग्मा बंध है उससे अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं किसी भी रिएजेंट को, अभिकारक को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है किससे?
एल्केन से, क्यों? क्योंकि एल्किन में होता है पाई बंद और पाई बंद के इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध रहते हैं हर किसी के लिए, ठीक है, इसलिए है ना, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये तो हो गई भाई पाई बॉन्ड की और सिग्मा बंद का अंतर। अब मैं कुछ छोटा सा पूछना चाहता हूँ, वैसे ही मैं पूछ लेता हूँ, है ना, ब्लैक बोर्ड पे ही चलते हैं हम लोग। मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आप मुझे फटाफट इसमें सिग्मा और पाई बंदों का, पाई बंदों की संख्या बता देना फटाफट, ठीक है। मैंने लिखा है येलो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और मैंने लिख दिया CH3। फटाफट मुझे बताओ पाई कितना है सिग्मा कितना है, जल्दी बोलो भाई। 2 पाई 3 सिग्मा। वेरी गुड वेरी गुड, 2 पाई। अब सिग्मा गिनते हैं कितने हैं, ठीक है, सिग्मा देखो कितने हैं। मैं इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर खोल देता हूँ, येलो 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 और येलो, यही तो है इसकी स्ट्रक्चर। मैंने हाइड्रोजन को अलग अलग कर दिया जो पहले एक जगह लिखे हुए थे। अब बताना जरा सिग्मा कितने हैं, अब तो क्लियर हो गया ना, 1 2 3 3 इधर 6 6 एक साथ साथ है, तो 9 9 सिग्मा हो गए, इसमें कहाँ दिक्कत है। सिग्मा यानी कि कुछ जरूर थोड़ी है कार्बन कार्बन के बीच में, हमने ये तो बात नहीं करी है, सिग्मा यानी कि पूरे मॉलिक्यूल में सिग्मा कितने हैं, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन वाला सिग्मा भी तो हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी तो एकल बंद है ना, तो ये इसमें हो गया सिग्मा बंद। अब मैं एक छोटी सी और बात तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, संकरण तुम लोगों ने देख लिया, संकरण हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात को सुन लो मेरी बात को, जब भी कोई कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ हो, ठीक है, या कोई एटम डबल बॉन्ड से बंधा हुआ हो, तो उसका संकरण हमेशा होता है sp2। सुन लो, जब भी कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ हो उसका होता है sp, और सिंगल बॉन्ड वाले की तो जानते ही हो कि उसका संकरण होता है sp3, है ना, ये पता है, क्योंकि संकरण से काफी सारी चीजें प्रभावित हो रही है। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि किसमें क्या संकरण है, ठीक है, तो कार्बन का बताना है सिर्फ आपको, है ना, कार्बन का मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। बताओ भाई इस कार्बन में 1 नंबर में कौन सा संकरण है और 2 में कौन सा संकरण है, बोलो। एक में sp3 और दूसरे में sp। यस sp, दूसरे में sp संकरण है, ठीक है। अब मैं एक चीज और लिख देता हूँ, है ना, वो भी थोड़ा सा सही लगेगी यहाँ पर, सही लिखना, ये लो मैंने ये लिख दिया, अब हमारी क्लास कट जाएगी, दोबारा आप लोगों को जुड़ना नहीं है। इसमें संकरण बता दो फटाफट, कार्बन का बता दो, CH3 वाले का कितना है, जब भी CH3 है तो sp3 होगा, है ना, इस कार्बन का बताओ भाई जहां मेरा पेन टिक कर रहा है अभी, बोलते जाओ। अब सुनो टाइम नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, है ना, हमेशा नहीं होता, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए कार्बन का संकरण हो गया sp2, ठीक है। आज की हमारी क्लास इतनी है, और किरण तुमको समझ में आया, किरण? यस सर। अब रोज जुड़ना है, ठीक है किरण, किरण कैमरा अपना बंद रखा करो, है ना, कैमरा तभी ऑन करना है जब हमें कैमरे ऑन करने की जरूरत पड़े, कैमरा हमेशा बंद रखना है, वरना तुम्हारे